नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी YouTube वीडियो के लिए ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाएं। ग्रीन स्क्रीन वीडियो का ग्रीन स्क्रीन होता है, कैसे हटाते हैं, उसकी बेसिक एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कौन सा बैकग्राउंड इस्तेमाल करेंगे, कैसे एडिट करेंगे ग्रीन स्क्रीन की वीडियो, वो सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राम के प्रजापति, रामजी टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले हम जो ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, वो मेरे पास है पैड वंडर फेयर फिल्मोरा को डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाता है। लेटेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोरा 2024 वाला इंटरफेस आपके सामने बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है। आपको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद से उससे भी पहले आपको यहाँ पर फाइल में जाना है, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो आपको यहाँ देख लेना है। फ्रेम रेट 60 FPS का है। सो अगर आपका ये जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जो फ्रेम रेट है वही फ्रेम रेट आपने जो वीडियो को शूट किया है वो भी होना चाहिए, तभी जाकर आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा स्मूथली काम करने वाला है। ठीक है, तो जो लोग वीडियो एडिटिंग नहीं करते हैं, पहली बार वीडियो एडिटिंग करना सीख रहे हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी इस तरीके के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, तो उस लोगों को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ओके कर देते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग हो गई है। इंपोर्ट बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे, ये माउस मीडिया वाले सेक्शन में जाना है, इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। आप कोई भी यहाँ पर काम कीजिए, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर से कीजिए, इंपोर्ट पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो भी आपके पास वीडियो है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके लैपटॉप में जहाँ पर भी आपने जिस भी फोल्डर में अपने वीडियो को रखा है वो वीडियो को आपको लेकर आना होगा। सो मैंने यहाँ पर वीडियो गैलरी में जाएंगे एंड यहाँ पर वीडियो मेकिंग वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर माई फोटो में इसमें जो है वीडियो है, ये मैंने वीडियो ले लिया है। ये मेरा जो है वीडियो होने वाला है ग्रीन स्क्रीन वाला, जिसका हमें इसका बैकग्राउंड हटाना है, ग्रीन स्क्रीन की एडिटिंग करनी है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ये वीडियो आ चुका है, लेकिन उसके लिए हमें पहले से हमारे वीडियो का बैकग्राउंड जो है चुन कर रखना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर स्टॉक मीडिया पर जाकर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे जो है यहाँ पर बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। AI इमेजेस वगैरह भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है पहले से डाले गए हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो AI इमेज पसंद नहीं है, तो मैं डाउनलोड वाले में जाकर भी जो मतलब चाहे तो यहाँ से भी आपको लाइब्रेरी मिल जाती है डाउनलोड करने के लिए, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्सल का भी ऑप्शन दिया गया है, सो आप यहाँ से पिक्सल की वेबसाइट से डायरेक्टली यहाँ पर जो है कर सकते हैं वीडियो में के लिए जो बैकग्राउंड जो इमेज है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद और एक चीज़ और है कि आप बेसिकली यहाँ पर सॉलिड कलर है, बेसिक कलर भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री में है। ये वाला तो फ्री नहीं है, ये वाला फ्री है, या सब कुछ जिसको आप रख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। आप यहाँ पर गूगल में जाइए और यहाँ पर जो है आप यूट्यूब वीडियो के लिए बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर दीजिए यूट्यूब वीडियो के लिए फ्री बैकग्राउंड, ओके, BGRUND बैकग्राउंड, ओके, HD लिख दीजिएगा एंड नो कॉपीराइट। ऐसा नहीं हो कि कॉपीराइट आप रखें तो यहाँ पर जो है मतलब बाद में कॉपीराइट आ जाए जब आप अपने वीडियो को YouTube पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर पिक्सल की जो वेबसाइट है यहाँ से फ्री YouTube बैकग्राउंड फोटोज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी वेबसाइट अनप्लस की है, यहाँ पर से भी मिल जाती है। ठीक है, देखिए यूट्यूब बैकग्राउंड पिक्चर वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। सो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो है यूट्यूब के लिए बैकग्राउंड यहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहो तो अपने वीडियो में जो अपने वीडियो का ग्रीन स्क्रीन हटा रहे हो उसमें आप लोग वीडियो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर वीडियो भी मतलब बैकग्राउंड में भी वीडियो लगा सकते हो। तो ये सब कुछ है यहाँ पर, देखिए वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं इस बैकग्राउंड के लिए, तो आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेजेस जो फोटोज है वही लगाने वाला हूँ। तो इसमें से देख लीजिए आपको कौन सा फोटो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इमेज हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है, यहाँ पर आकर इसको फाइल को सेव कर देंगे और ये इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। इसको जाकर हम देखेंगे दिस PC लैपटॉप में ओपन करेंगे और डाउनलोड वाले में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे तो ये फोटो हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब आएंगे वापस से वीडियो एडिटिंग वाले में और यहाँ पर जाएंगे और इस पर इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमारा इमेज है, इस इमेज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इमेज को यहाँ पर इस तरीके से लाएंगे और इसको जो वीडियो की लेंथ है उस पर आप जो है इसको ऐसे इसको बड़ा कर देंगे, इसे खींच लेंगे ताकि वीडियो का लेंथ सर्वाइव हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कितने लेंथ का आ गया वीडियो, कम से कम 6 मिनट का है, तो कोई 6 मिनट तक खींच कर रखना पड़ेगा।
उसके बाद आप चाहो तो इसको भी एडिट कर सकते हो, इसका थोड़ा सा कलर वलर जो है आप थोड़ा सा ऊपर अप डाउन कर सकते हो, आपके ऊपर है टेम्परेचर, टेम्परेचर थोड़ा बड़ा कर सकते हो या फिर कूल कर सकते हो, सेचुरेशन को गर्म कर सकते हो या फिर नरम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि मतलब इसको, इस फोटो को भी आप एडिट कर सकते हो। आपको नहीं पता है फोटो कैसे एडिट करते हैं लैपटॉप में, रामजी टेक्निकल पर एक वीडियो है जो कि बहुत ही पॉपुलर, उसको आप जाकर देख सकते हैं, हो सकता है सजेशन में भी आ जाए लैपटॉप में वीडियो एडिट कैसे करें। अब यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है जिसका हमें, जिस यूट्यूब वीडियो का बैकग्राउंड हटाना है, उसको हम ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से ये जो रिजोल्यूशन है चुन लेंगे। अब जो सबसे पहले काम करना है किसी भी यूट्यूब वीडियो का बैकग्राउंड हटाने के लिए, आप यहाँ पर आएंगे और पहले ये जो वीडियो है इसको कलराइज कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ इफेक्ट वगैरह डालना होता है, कलर वगैरह सेटिंग करनी होती है, तो वो पहले करना होता है, अदरवाइज बाद में मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है, टेम्परेचर कलर का सेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, एंड सेचुरेशन आप थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं ऊपर नीचे, कंट्रास्ट जो वीडियो का है उसको बढ़ा सकते हैं, शैडो आप यहाँ से बढ़ा दीजिए अपने वीडियो का, या फिर घटा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं, वाइट ब्लैक कर सकते हैं जो करना हो, सब कुछ ठीक है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो वीडियो देख सकते हैं कि ये जो है फालतू चीज़ है, यहाँ पर देखिए फालतू चीज़ साइड में दिख रहा है, ठीक है, सो आपको इसको हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, आपको सिंपल सी बात है कि आपको वीडियो को क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, Alt C का शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, Alt C, तो यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा फटाफट से। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर रेशियो जो है इस पर क्लिक करेंगे और कस्टम पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद से यहाँ पर आकर ऐसे इसको इस तरीके से जितना ग्रीन स्क्रीन है उसी एरिए को सेलेक्ट करके रखेंगे, बाकी सबको कटआउट कर देंगे बाहर। ये स्क्वायर में हमारा जो वीडियो है वो सेलेक्ट हो गया है, अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मान लीजिए कि हमें इसको एडिट करना है कुछ बीच में, देख सकते हैं कि ये जो ऑडियो है वीडियो का जो पार्ट है वो यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि इस एरिया में मैंने कुछ बोला वाला नहीं है, इस देखिए इस साइड में कटिंग करना है और इधर भी कटिंग करना है, इधर भी बोला नहीं है, तो ये एरिया को रखना है और ये एरिया को कटिंग करना है। लेकिन उससे पहले कुछ काम आपको जो भी मतलब इसका कलर वलर करना है कर लीजिएगा, और क्रॉप करने का है वो पहले कर लीजिएगा। तो अब हम अपने वीडियो की जो अनवांटेड पार्ट है उसको हम हटा देंगे, कट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ से इसको बड़ा कर लेना है ताकि आराम से आप देख सकें, उसके बाद से इस पर आएंगे और उसके बाद से इस पर जो है इसको वीडियो का जो क्लिप है उसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे, उसके बाद से यहाँ पर लाकर इसको कट कर देंगे यानी कि ट्रिम कर देंगे, ठीक है ऐसे। तो इस पर हमने इसको कट कर दिया, देखिए ये दो इसको हटा देते हैं, ये देखिए ये सेलेक्ट है ये सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ पर ये वाला चीज़, ये वाला जो कटिंग है इसको डिलीट करना है, इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीन स्क्रीन हटाने से पहले आपको यहाँ पर बीच में कुछ भी कटआउट नहीं करना, ये तो आगे का था इसलिए हमने कट कर दिया, आगे पीछे का कट सकता है लेकिन बीच में कट कर देंगे तो बार बार आपको ग्रीन स्क्रीन हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो का ग्रीन स्क्रीन एडिट करने से पहले आपको ये कुछ भी बीच में नहीं कटिंग करना, ओके, जब आप लोग ग्रीन स्क्रीन को हटा लेंगे उसके बाद ही कटिंग करेंगे तभी, वरना बार बार आपको जो है ग्रीन स्क्रीन जो है एडिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लाकर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो जो हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसमें आपको ग्रीन स्क्रीन का क्रोमा की मिल जाएगा और आजकल तो स्मार्ट कटआउट मिल गया है, इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर देखिए स्मार्ट कटआउट दिया गया है न्यू फीचर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे AI मॉडल बीइंग अपडेटेड प्लीज वेट वाला ये सारा अपडेट कर रहा है, हम बाहर में जाओ बाद में होगा, तो हम नॉर्मली इस पर क्लिक करके जाते हैं और यहाँ पर AI पोर्ट्रेट है उसको हम क्लिक कर देंगे, तो देखिए वन क्लिक में यहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन हट गया है। इसके अलावा आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ये देखिए मैं फिर से जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ क्रोमा की पे क्लिक करेंगे जो कि मैनुअली देखिए यहाँ से हट चुका है, ठीक है। बाकी आपको कुछ अलग से लग रहा है कि कुछ कमी बेसी है तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा आप लोग होशियार आदमी हैं, और या फिर आपको लगता है कि ये वाला ज़्यादा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, तो आप इसको कंट्रोल जेड कर दीजिए एंड उसके बाद से आप यहाँ पर जाइए और AI पोर्ट्रेट में कर देंगे तो इसको भी बड़ा करके देखिए तो अच्छा ही काम कर रहा है एक तरह से। यहाँ पर देखिए ये देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ओके। उसके बाद से आप यहाँ पर इधर आएंगे और उसके बाद से ये वाला जो एरिया है अपने वीडियो का जो ग्रीन स्क्रीन है घटाने के बाद आपको ये सब करना होगा, तो आपको यहाँ पर इसको कट कर देना है, जो खाली एरिया है इसको इधर आकर इसको भी आपको कट कर देना है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये एरिया को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से इसे हटा देंगे।
फिर ये लास्ट जो वीडियो है, मतलब वीडियो का जो लास्ट पार्ट है उसको भी हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। कटिंग कर दिया, उसको यहाँ से सेलेक्ट है दोनों एक ही साथ, तो यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और ये जो है हमारा यहाँ पर, और देखिए एक तरह से यहाँ पर एक तरह से डिलीट हो गया है। इसको आप जूम आउट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बाकी है। यहाँ से क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आप इसको, ये थोड़ा जो है आप इसको जूम वूम अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसे ये वीडियो थोड़ा ऐसे दिखे। वीडियो था हमारा दोस्तों 6-6.5 मिनट का, लेकिन अब जो वीडियो को एडिटिंग करने के बाद जो बचा है वो 3 मिनट और 43 सेकंड का बचा हुआ है। अब यहाँ पर आपको कुछ लोगो वगैरह देना है अपने वीडियो में तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लोगो दे दिया है। देखिए अब इस लोगो को सबसे पहले क्या करना है, पूरे वीडियो में लेके जाना है, उसके बाद से इसको ऐसे जो वीडियो का आपके यूट्यूब चैनल का लोगो है उसको आप इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद से सारा कुछ हो गया है, लेकिन आपके वीडियो में जो है म्यूजिक वगैरह डालना होता है, गाना डालना होता है। कई लोग जो बोलते हैं कि भाई मुझे इमेज और फोटो से फोटो में गाना डालना है, ठीक है, तो वे लोग ऑडियो पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑडियो आपको मिल जाएंगे फ्री में, लेकिन मैं इसका जो है मैं अलग से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ उसको इस्तेमाल करूँगा। तो मीडिया पे जाएंगे और इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक कर देंगे, माई फोटो पे जाएंगे, माई वीडियो गैलरी में जाएंगे और यहाँ पर कई सारी म्यूजिक मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद से यहाँ पर इसको खींच के लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो म्यूजिक होना चाहिए उसका जो आवाज़ है वो कम होना चाहिए, 10% से कम ही होना चाहिए, तो आप यहाँ से भी घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आपको प्ले करके देख लेना है कि भाई ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। मतलब आवाज़ को हमेशा आपका जो वीडियो का ओरिजिनल जो ऑडियो है उसका आवाज़ 90% या फिर 80% होना चाहिए और आपका जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका जो आवाज़ है वो करीब करीब 8% से कम होना चाहिए। तो सब कुछ हो चुका है और कुछ बाकी नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकल आया, ये देखिए तो बाहर वाला अच्छा नहीं है। यहाँ पे इसको वॉइस को जो हमारा गाना है म्यूजिक बैकग्राउंड उसको कटिंग करके इसको डिलीट कर देंगे। इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन वगैरह होता है डालने के लिए, मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ये सब जो है आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं, जो भी आप चाहो तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। सब कुछ हो गया है, अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पर आना है एक्सपोर्ट वाले बटन पर, आपको क्लिक कर लेना होगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आना है आपको और आपको अपने वीडियो का, जो आपका यूट्यूब वीडियो है उसके बारे में जानकारी देनी होगी कि आपका वीडियो का नाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियो ग्रीन SCR स्क्रीन रिमूव, ठीक है, टिप्स वाला जो वीडियो है लैपटॉप मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, वही मैं डाल देता हूँ। यहाँ से आपको जहाँ पर वीडियो को सेव करना है, इस एडिटिंग वीडियो वाला जो हमने एडिट किया है उसको आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट है, आप चाहो तो कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर मैच टू प्रोडक्ट सेटिंग आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से फॉर्मेट MP4 है, रिकमेंडेड सेटिंग है, सब कुछ सही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं या फिर जो भी करना है आप कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद है वीडियो से आप लोग को काफ़ी सारा हेल्प मिला होगा और आपको को पता चल गया होगा कि लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, कैसे आप वीडियो की ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हैं, कैसे आप जो ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं, कैसे वीडियो में गाना लगा सकते हैं, कैसे आप वीडियो को कटिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।